मैं एक ही चार मामू क्या भी बोलते हैं यार, क्या भी बोलो बस। ये क्या हुए धोते क्या हाँ ये करे तो कोशिश तो करेंगे क्या भी इंजीनियर आते हैं वो आपको कब तो कहेंगे कब आने क्या कल वो आने देकर कुछ करे तो हमें अंदर रहते हैं हमें बाहर रहते हैं क्या बोलो तो उसमें क्या है क्या बात है हाथ करो दिखाओ गन्ना आ रहा है वीडियो है क्या वो नहीं उन्हें क्या बोलता आप तो पूरे लेना मिला कोई हाथ जोड़ा ही ना अब अलग ही से निकलना कर रहा हूँ वो एसी नहीं चालू कर रहे हैं इसकी वजह से पूरा सर ये हमारा बीजापुर के मनगोली बेस जो है उसके बाहर ये हमारा कॉम्प्लेक्स है सकीना मस्जिद का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे क्या है रोड वाइडनिंग और ये रोड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्या है यहाँ पे वर्क स्टार्ट हो को अनकरीब 2 महीने हुआ अभी इन काम करने के आड़ में क्या है ये पूरा हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स था एक तो पूरा कॉम्प्लेक्स में बहुत से चीज़ें हमने निकालना पड़ा उसके बाद में क्या है ये ड्रेनेज का सिस्टम और ये जो भी ड्रेनेज लाइन है ये नई डाल को देता हूँ करके बोले तो डाले हैं लेकिन उसमें क्या करें इन्हों जो भी गंदा जो भी सीवर का जो भी पानी है वो पूरा इसे छोड़ें तो उसके वजह से क्या हो रहा है यहाँ पूरा गंदा पानी यहाँ से पास हो रहा है ये कॉम्प्लेक्स वाले को उसकी तरफ से बहुत तकलीफ हो रही है इसके रिगार्डिंग हमें म्यूनसिपालिटी में कंप्लेंट भी करे लेकिन वहाँ से क्या भी उसके बारे में क्या भी एक्शन ले रहे हैं उन्हों तो वो हमें क्या है ये न्यूज़ के ज़रिए से जो है कॉरपोरेशन अथॉरिटीज़ को ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ जो भी है जल्द से जल्द काम कंप्लीट करने की उन्हों कोशिश करना बोल को कब से चला है काम अभी 2 महीने हुआ स्टार्ट हुआ काम अभी वो क्या बात की है क्या अपन से कॉन्ट्रैक्टर को अभी कॉन्ट्रैक्टर अभी 15 दिन हुआ कौन भी आया नहीं पहला तो हाँ जब ये 26 जनवरी था तो उसके वास्ते बहुत स्पीड काम कर रहे थे उन्होंने लेकिन तो उसके बाद से क्या है एकदम उनका काम करने की जो स्पीड है एकदम ना के बराबर हो को छोड़ी यहाँ पे कमिश्नर को मिले आपको क्या कंप्लेंट किया इसके बारे नहीं इसके बारे में अभी हमें जाको कमिश्नर को तो हमें नहीं मिले लेकिन यहाँ जो अभी कमिश्नर को मिल को हमें क्या करना जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ के काम का अंडरटेकिंग लिए उनको मिले हमें उन्होंने क्या है उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे अभी आपको तकलीफ क्या हो रही है यहाँ पर यहाँ स्मेल बहुत ओवर आ रही है बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और पूरा गंदा पानी जो भी है सीवर का जो भी ऊपर से आ रहा वो पूरा यहाँ से पास हो रहा ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये सकीना मस्जिद कॉम्प्लेक्स है और मेरा नाम शाहबाज गलगली है मैं एडवोकेट और टैक्स कंसल्टेंट हूँ जैसा हमारे वकील साहब अभी बोले कि हमको क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर करके स्मेल इतनी आ रही कि हम बैठ नहीं सक रहे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं यहाँ पर शॉप लोग बंद करके चले गए यहाँ से पहली बात तो 1.5 से 2 महीने हुआ इधर धंधा भी नहीं करके बोल रहे हैं रोड का काम चालू है हर एकली की कंप्लेंट ये है दुकान बंद करके जा रहे हैं पास में मस्जिद है मस्जिद में 5 वक्त की लोग नमाज जा रहे हैं नमाज जाने में इतनी तकलीफ़ हो रही कि रास्ता पूरा उधर है नहीं पूरा खोद को रखे सो है नो तो इसके लिए हमें कंप्लेंट भी करी क्या भी रिस्पॉन्स अभी तक आया भी नहीं तो अभी 1-2 दिन हमें देख के क्या है एक्शन क्या भी हमें सोच के क्या है कॉम्प्लेक्स वाले लेना करके सोचें तकलीफ क्या हो रही है आपको तकलीफ़ ये हो रही कि स्मेल इतनी आ रही कि हमें बैठ नहीं सक रहे हैं अभी पूरा चेंबर का पानी जा रहा है यहाँ से तो अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर है उसे 1 दिन बटा को देखना है उन्हें कितना सहन करता करने का अब क्या है बर्दाश्त की लिमिट ख़त्म हो गई हमारी हमें सहन नहीं कर पा रही हो बदबू इतनी बदबू आ रही यहाँ पर और कौन भी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है क्या इसके बारे में आप महानगर पालिका में कंप्लेंट किए अभी तक करे नहीं अब देखेंगे इंशाल्लाह अभी 1-2 दिन देखते हैं हमें आपके न्यूज़ के तरीके से जान दे कॉरपोरेशन अथॉरिटी को अगर उन्होंने भी रिस्पॉन्स नहीं करे तो इसके आगे इंशाल्लाह हमें क्या है एक्शन लेते हैं ये कहाँ पर आता है ये मनगोली बेस सकीना मस्जिद कॉम्प्लेक्स करके है ये हुड़को रोड है जलनगर रोड ये काम कब से चला है काम लगभग ऐसा तो देखिए तो 1 साल के ऊपर से चल रहा है काम रोड का डेवलपमेंट करके बोल के चल रहे हैं काम चल रहा है ये काम लगभग 2 महीने हो आप चलने लग के
तो अभी फुटपाथ आता करके बोल रहे हैं, रोड अभी बड़ा होता करके बोल रहे हैं, खाली बोल रहे हैं लेकिन काम तो क्या भी हो रहा नहीं अभी तक। तो इससे कॉम्प्लेक्स वालों को बहुत तकलीफ हो रही है, एक तो डस्ट की प्रॉब्लम आ रही है, वो एलर्जी वाले अस्थमा वाले मर को जाना इसी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर ये रोड का काम जो चला इसे पानी वगैरह नहीं मार रहे? बहुत कम मार रहे हैं, ना के बराबर मार रहे हैं, सुबह शाम मारना करके है लेकिन मार रहे नहीं। उन्होंने ये कौन कॉन्ट्रेक्टर पता है आपको? नहीं मालूम हम को अभी तक। क्या आप कोशिश नहीं करें उनके बात करें कॉन्ट्रेक्टर? बात करने की कोशिश करे है, आरिज नहीं उधर, इधर आरिज नहीं। तो अभी आप क्या इसके संबंध पर जो अधिकारी हैं उनसे क्या अपील करते हैं? एक दो दिन हमें देखते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद क्या है हमें कॉम्प्लेक्स वाले और मस्जिद कमेटी वाले एक एक्शन ले कि हमें क्या है इंशाल्लाह आगे कॉर्पोरेशन को नहीं तो डीसी को जा को मिल को हमें क्या है इसका क्या भी अकल निकालते हैं, मेमोरेंडम देते हैं। हमने ऐसी तकलीफ हो रही है। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान पठान, SDPI जनरल सेक्रेटरी।